मैं यूं ही किसी पर इल्जाम नहीं लगाता। पूरी तरह छानबीन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। हाय स्वीटी, तुमने मुझे बुलाया? हाय रेवा, आ जाओ अंदर आ जाओ। पम्मी को मैंने ही बुलाया है। कम ऑन सिट डाउन। बैठो ना खड़ी। इस बात का जितने जल्दी खुलासा हो जाए उतना ही तुम दोनों के लिए अच्छा है। एब्सोल्युटली। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। रेवा, पम्मी का कहना यह है कि तुमने डब्बू के सिग्नेचर्स फोर्ज किए थे। पम्मी, तुमने क्या किया? अपने ही भाभी पर अपने भाई की मौत का इल्जाम लगा दिया। एक औरत जिसका पति उसकी आंखों के सामने हार्ट अटैक का शिकार होकर दम तोड़ देता है, उसकी मौत के बाद उसे पता चलता है कि वो बैंकक्रप्ट था, उसके कर्जदारों से निपटने के लिए वो अपना सब कुछ गिरवी रखने को तैयार हो जाती है, उस पर यह इल्जाम लगाना कि उसने अपने हस्बैंड के सिग्नेचर्स फोर्ज किए थे, ठीक नहीं है? Hey, look, Manoviraj. I'm not here to take too much of your time, yeah? मानता हूँ, ये इल्जाम ऐसा है कि कोई नीच या गिरा हुआ इंसान ही लगा सकता है। लेकिन बातों से भी अच्छा है अगर हम सबूत पर नजर डालें और अच्छे से नजर डालें, ताकि उसके बाद सबकी बोलती बंद हो जाए। Yeah, take a look. एक बार मेरी भी बात सुन लो। एक मिनट रेवा, पढ़ लो पहले। पम्मी ने जो कुछ भी कहा वो सच है। ये सारे खर्चे तुमने किए और डब्बू से बिना पूछे उसी के सिग्नेचर्स उतारे हैं इसने। ये है मेरी भाई की पत्नी, मेरी भाभी। पम्मी प्लीज Let me speak. राज, ये सच है कि मैंने खर्चे किए हैं, but it's not the means, it's the end that matters. समझने की कोशिश करो, बिजनेस में एक्सपेंशन करना कितना जरूरी होता है ये तुम अच्छी तरह से जानते हो, और डब्बू इसके बारे में कुछ नहीं समझता था, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया. I had to do it. I just had to do it, राज. ऐसे किया तुमने ये बिजनेस एक्सपेंशन? Reba, this is forgery. Legal offense. You're right. We have an offender among us, Manoviraj. दोस्त होने के नाते मैं आपको सिर्फ यही सलाह दूंगा कि आप ऐसे धोखेबाज, ऐसी फ्रॉड से दूर ही रहें. इसी में आपकी और आपकी बिजनेस की भलाई है, वरना अपने स्वार्थ के लिए, अपनी ऐशो आराम के लिए क्या कर सकती है, ये तो आपने देख ही लिया. जो डब्बू को, जो अपने पति को धोखा दे सकती है वो तो. स्टॉप मम्मी, राज और मेरे बीच में आने की कोशिश मत करना, वरना. हे, ब्रेकिंग न्यूज, आई रियली डोंट केयर. तुम डब्बू से और मुझसे बच सकती हो रेवा, पर कानून से कभी नहीं. ऑल द वेरी बेस्ट. रेवा, तुम हाउ कुड यू रेवा? मैं जब मंजू से अलग हुआ तो तुम्हारे पास चला है, ये सोचकर कि मेरा एक सच्चा और वफादार दोस्त है जिसकी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी पर नाज है मुझे. लेकिन तुम तो मंजू से भी बदतर निकले. तुमने तो डब्बू की जान ले ली रेवा. यू किल्ड हिम. यस, यू किल्ड हिम. नूराज, ये सच नहीं. जस्ट शट अप. जस्ट शट अप. जस्ट गो फ्रॉम हियर. लीव मी अलोन. कम ऑन, गो. जस्ट गो रेवा. देखो रेवा,
मेरा एक घर है, एक बेटा है, एक बीवी है मेरी, और वो तुम्हारी तरह धोखेबाज नहीं है। और आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, सागर को। ओके, सो जस्ट जस्ट गेट आउट आउट। राज, प्लीज डोंट डू दिस टू मी राज, प्लीज। रेवा, तुमने जो टप्पू के साथ किया वो क्या था? क्या था वो? बैठो, बैठो यहां, मैं जा रहा हूं। तुमने भी मुझ पर भरोसा नहीं किया। You didn't give me a chance. You didn't even give me a chance, Raj. You didn't even give me a chance. You didn't give me a chance to explain that.